मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के युवा बाघ का शव 7 दिसंबर को फांसी के फंदे में लटकता विक्रमपुर की तिलगुआ बीट में मिला था। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने एक्शन लिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जिसके बाद डिप्टी रेंजर अजीत खरे और बीट प्रभारी वन रक्षक अरुण त्रिवेदी को निलंबित कर दिया। वहीं अब उपमंडल अधिकारी संबंधित मामले की 7 दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट कंप्लीट कर वरिष्ठ अधिकारी को सौंपेंगे। इसके लिए सीसीएफ ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही बाघ के शव के लिए अलग अलग सैंपल परीक्षण के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली फॉरेंसिक साइंस लैब सागर और सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर ले भेजे गए हैं। दरअसल 7 दिसंबर को उत्तर वन मंडल के वन परिक्षेत्र पन्ना की बीट तिलगवा के कक्ष क्रमांक P460 में बीट प्रभारी तिलगवा में पन्ना टाइगर रिजर्व के युवा बाघ मौत फांसी के फंदे में लटकने की वजह से हुई थी, जिसके बाद सीसीएफ छतरपुर संजीव झा उत्तर वन मंडल एवं पन्ना टाइगर रिजर्व अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद डॉग स्क्वाड टीम सतना और पशु चिकित्सक ने मौके का निरीक्षण किया। बाघ के शव को फांसी के फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया। वहीं अब वन विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया है।